जी हाँ दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आज आप सभी खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना हमारे मध्य प्रदेश से बिल्कुल एक तरह से गायब सा हो चुका है। बहुत कम केसेस आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक बात जानकर खुशी होने वाली है दोस्तों, एक बात क्या बात है कि आज मध्य प्रदेश के केवल 21 जिलों में केस आए हैं और 21 जिलों के अलावा जो बचे कुछ जिले हैं उन जिलों में तो आज कोई भी केस आया ही नहीं है। हम बात करने वाले हैं, जो हम अपडेट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 22 जून को शाम को 6 बजे तक का। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे समझ में आ पाएगा जिससे। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 2 जिलों में सबसे ज़्यादा केस आए हैं। यहाँ पर एक तो 15 आए हैं इंदौर में, इसके बाद भोपाल में 13 आए हैं। अन्यथा और जिलों में यहाँ पर कोई भी बहुत कम केस आए हैं, 10 से कम ही केस आए हैं। और दोस्तों केवल 2 जिलों में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। इंदौर की बात करें 344 और भोपाल की बात करें तो 522। वहीं दोस्तों इन सभी जिलों में 5 से कम केस आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हम उन जिलों की बात करेंगे जहाँ पर सबसे कम केस आए हैं, यानी कि 0-0 केस आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धार, शिवपुरी, सतना, विदिशा, नरसिंहपुर हो गया, ओके। इसके बाद सीहोर, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, सीधी, इसके बाद सिंगरौली और मंदसौर, इन जिलों में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है आज की डेट में। अगर दोस्तों हम बात करें, मुरैना हो गया, मंदसौर हो गया, इसके बाद दमोह हो गया, नीमच हो गया, देवास, झाबुआ, सतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़। तो दोस्तों इन जिलों में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है आज की डेट में। इसके अलावा दोस्तों अन्य जिलों की बात करें, यहाँ पर उमरिया हो गया, मंडला, गुना, हरदा, डिंडौरी, खंडवा, इसके बाद श्योपुर हो गया, अशोकनगर, अलीराजपुर, इसके बाद में भिंड और बुरहानपुर में कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, इन जिलों में कोई भी केस नहीं आया, ओनली 21 जिलों में ही केस आए हैं। अन्यथा इन जिलों के अलावा जो मैंने अभी आपको बताए उन जिलों में कोई भी कोरोना के केसेस नहीं आए हैं, ओके। अगर हम बात करें आज मध्य प्रदेश में टोटल केसेस कितने आए, तो 64,415 जांचें की गई थी, जिसमें से ओनली 65 केस आए, यानी कि 65 केस आए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है 0.1% हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 0.1% हो चुकी है, और 318 मरीज हैं जो कि डिस्चार्ज किए गए हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो हैं 1,707। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल हॉस्पिटल्स में, कोविड केयर सेंटर्स में जो एक्टिव केस हैं वो केवल 1,707 ही एक्टिव केस हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो चुका है। और दोस्तों हम कोरोना के मामले में 28वें नंबर पर आ चुके हैं पूरे देश में। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।